हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियर एंड मैथ गुरु। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स कंपाउंड इज ससेप्टिबल टू बी अटैच्ड बाई अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट। सो ओके, सो ट्राइकैल्शियम एल्युमिनेट इज वेरी ससेप्टिबल टू अटैच्ड बाई अल्कलीज एंड सॉल्ट। ओके, now next question, the heat generated in ordinary cement at the end of 3 days is about, heat generated in the ordinary cement at the end of 3 days is about, it is the 80 calorie per gram, 100 calorie per gram, 120 calorie per gram. So correct answer of this question is B, that is the 80 calorie per gram. Now next question, low heat cement contains more amount of dash than that of the ordinary Portland cement. So correct answer of this question is dicalcium silicate. Directly we know that is the B. Okay, so correct answer of this question will be B. Chaliye next question dekhte hai. In Portland blast furnace slag cement, the blast furnace slag cement shall not exceed 50%, 65%, 80%, 90%. So correct answer of this question will be बी, 65% से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट इज ब्लास्ट फर्नेस जो कंटेन करता है वो 65% होता है। करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट सीमेंट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ डस्ट, लेस अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन ऑक्साइड लेस अमाउंट कंटेन करता है इसलिए इसका कलर जो है वो व्हाइट होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट रेसिडुअल लेफ्ट ऑन आईएस सीव नंबर 9 शैल नॉट एक्सीड, इट विल बी द 10%। ओके, बी, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रिक्वायर स्पेसिफिक सरफेस ऑफ 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, ये सबको पता है लाइम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज, मिनिमम जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, और मैक्सिमम होता है लाइम। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ अल्कलीज, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, डाइकैल्शियम सिलिकेट रेट्स रैपिडली, हार्डन्स रैपिडली, जेनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हैज लेस रेसिस्टेंस टू सल्फर अटैक। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। ओके, जेनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज तक इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ विद आंसर। सो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे आप लोगों को, अगर ये जो चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ अगर आप लोगों का अच्छा लगेगा और काम में आएगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।